सो हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, आई एम आकाश रॉय एंड वेलकमिंग वंस अगेन यू इन आकाश टाइम एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आप लोग बार बार क्वेश्चंस पूछ रहे थे डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के रिगार्डिंग, इसलिए वीडियो को लाना पड़ रहा है आपको। आई थिंक वीडियो से कुछ वैल्यूज मिलेगी, तो ऑब्वियसली आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर लेनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चंस बार बार आ रहा था कि सर डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग इन जादवपुर यूनिवर्सिटीज कब से हो सकती है। देखिए, मैंने आपको एक चीज लास्ट एक वीडियो करके बोल दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए कि मैकआउट का आपका जो डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है मैकआउट के अंदर कॉलेजेस पे, वो आपको 30 नवंबर से पहले देखने को मिलेगा। रीजन क्या है कि मैकआउट की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है वो लास्ट डेट 30 नवंबर है, उससे पहले सीट्स को फिलअप करवाना पड़ेगा। तो 30 नवंबर से पहले आपको मोस्ट ऑफ द मैकआउट कॉलेजेस पे आपको डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग देखने को मिलेगा। और मेरे बात को सही जो है साबित करके आपको एक के बाद एक कॉलेजेस पे लाइक KGSE को देख सकते हैं आप, CGSE देख सकते हैं, सब कॉलेजेस पे डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग हो रही है। अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हो, अभी भी चल रही है राउंड, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, जाके देखो एंड अप्लाई करो, ठीक है। बट अभी आते हैं जादवपुर पे मुद्दे में। आप लोग जानते हो कि जादवपुर एक मतलब सेल्फ गवर्निंग बॉडी उसको चलाती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है एंड एक खुद का यूनिवर्सिटी है। तो जादवपुर एंड एज वेल एज कलकत्ता यूनिवर्सिटी पे आपका जो डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है वो अभी आया, आई थिंक शायद आपको देखने को मिले, नहीं मिलेगा वो आपको जोशा के बाद ही देखने को मिलेगा। मतलब आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी एंड एज वेल एज कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटीज है उस पर आपको जो डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है वो 24 नवंबर के बाद ही आएगा, बिकॉज उन लोगों के पास 30 नवंबर से पहले प्रोसेस कंप्लीट करने का कोई जल्दी नहीं है, बिकॉज वो लोग खुद का एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसके कारण तो आपको 24 नवंबर के बाद शायद आपको दिसंबर तक भी प्रोसेस खींचा हुआ जाने को देखने को मिल सकती है। तो आप लोग प्लीज वेट करो, जादवपुर को लेकर टेंशन मत करो। अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आया तो आकाश टाइम एजुकेशन पे आपको मैं ऑब्वियसली प्रोवाइड कर दूंगा, बट इतना ज्यादा क्वेश्चन आ रहा जादवपुर को लेकर तो मैं सोचा कि आपको बोल दूं कि अभी नहीं भाई, जादवपुर के लिए आपको जोशा खत्म होना पड़ेगा, बिकॉज जादवपुर जो है अभी वेट करेगा टोटल वैकेंसीज देखने के लिए। तो आप लोग अभी तो जिस जो जो कॉलेजेस पे हो रही है फिलअप कीजिए, जादवपुर के नोटिस आया तो ऑब्वियसली आकाशम एजुकेशन पे आपको मैं शेयर कर दूंगा। सो दैट्स द अपडेट फॉर टुडे। सो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, सो थैंक यू टू ऑल।